बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो मैं मिस कुलचा जो वाइस चांसलर है उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैडम सुमेरा सरदार जो आपकी डायरेक्टर कोर्स है, छोटा सा नॉलेज के कल मेरी इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई एक मीटिंग में, और उसमें काफ़ी लोग बैठे हुए थे जिसमें कुछ मेल्स थे और मेरे ख्याल में कुछ फीमेल्स थे, स्पेसिफिकली मेरे ख्याल दो तीन थे। लेकिन जो कमांड मैंने आपकी मैडम की देखी उस मीटिंग में रिगार्डिंग स्पोर्ट्स और उसको किस तरह लेके जाना, तो आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड। और मैंने ये कहा कि जो उनकी आवाज़ में वजन है उस वजन से ही पता चलता है कि मैडम की कमांड कितनी है। और आज आपके जब मैंने बोर्ड पर देखा कि जो अचीवमेंट्स है लाहौर कॉलेज की, वो देख के दिन मतलब आवाज नहीं है सुनेस के, इतना ज़्यादा काम जो है वो लाहौर कॉलेज में हो रहा है। वुमेंस को आई थिंक क्लैप फॉर मैडम। मैडम राफिया हमारी डिप्टी कमिश्नर है जी लाहौर, और एज यू ऑल नो के ये आप लोगों की ब्रांड एम्बेसडर है इस टीम के लिए। The only reason behind having her is the success she had in the last few years and the way she has served Pakistan and the Punjab government. So, मेरा ख्याल है कि उसको देखते हुए this is an inspiration for all of you कि आप लोग से पढ़ाई खेल उसकी पढ़ाई में भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग अपने आने वाले वक्त में अपने मुल्क को अपने सूबे को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यू हैव सीन सो मच डिफरेंस जो आपको नजर आता होगा चीज़ें स्पेसिफिकली जो कि रिलेटेड मोमेंट से, तो कितनी बेहतरीन चीज़ों में आ पाते हैं कि तालियों में चली जाती है के लिए भी। मेरा जो इस पोस्ट जो मुझे मिली है, जो मुझे वो मिला है उस पर जब मैं आ रहा तो जब मेरी डिस्कशन हुई सी पंजाब से नफी साहब के साथ, तो उसमें एक बहुत जहरी चीज़ें वो चाहते थे कि हम लोग स्पोर्ट्स को एक दूसरे लेवल पर लेके जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया पिछले कुछ अर्से में। और उनका ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूथ है या जो हमारी यंग जनरेशन है उसको हम लोग स्पोर्ट्स की तरफ नहीं कराएँ। और उस मोटिव को लेकर के जब हमने बात की तो हमारे जो पहली एक टूर्नामेंट का पेन गेम जिसमें मैडम राफिया से हमारी मुलाकात हुई, और बहुत से लोगों ने ये पूछा कि आप लोग बच्चियों के लिए क्या करते हो, मतलब लड़कों के लिए तो काफ़ी कुछ है, उनके लिए गेम्स हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स हैं, तो बच्चियों के लिए आप क्या कर रहे हैं। सो फिर उस पर जब बात हुई तो पता चला कि हमारे दो साल बाद नेशनल गेम्स होते हैं जिसके लिए हमने कुछ विनर्स आपकी यूनिवर्सिटी से देखे, फिर एक पंजाब गेम्स है जो हर दो साल बाद होते हैं। उसके अलावा मुझे बताया गया कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टूर्नामेंट नहीं है जहाँ पे हम लोग अपने जो बच्चे हैं उनको इंकरेज कर सकें, जिधर हम उनको मौका देते वो आगे आए और वो आके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। सो उसमें हमारे डिस्कशन में मैडम राफिया से और उससे हमने एक बात की कि क्यों ना हम बच्चियों के लिए टूर्नामेंट स्पेसिफिक अरेंज करें जिसमें से बच्चियाँ, एक तो आपका कम्फर्ट लेवल बना रहा है, सेकेंडली कि आप लोग अपने जो आपने जो खूबियाँ हैं या जो आप लोगों की जो आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं रिगार्डिंग स्पोर्ट्स वो सामने आ सकते हैं और आने वाले वक्त में जो मुल्क और पाकिस्तान को फायदा हो। सो वहाँ से हमने ये इनिशिएटिव किया और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस इनिशिएटिव को पूरा करने जा रहे हैं जिसकी कल से हमारी जो है वो स्टार्टिंग हो गई है। तो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इस स्पेसिफिक टूर्नामेंट को करवाने का मकसद ये नहीं है कि जिस तरह के ये अब होगा आगे नहीं होगा, ये इंशाल्लाह टूर्नामेंट हर साल जो वुमेंस डे होगा उससे इसको हम रिलेट करेंगे और अगले साल मार्च में हम इसको दोबारा से जो है इसका इनकाम करेंगे। और इंशाल्लाह कई गेट्स जो इस दफ़ा हम लोगों ने इनामत रखे हैं, इंसेंटिव रखे हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारे शायद 5 मिलियन लेकिन अगली दफ़ा हम इसको 10 मिलियन और 10 मिलियन प्लस पे लेके गए अपने बच्चियों के लिए ताकि वो जो यहाँ पे मेहनत करती है उसको डबल करें और उनको पता हो कि साल में आने वाले वक्त में उनको करना क्या है। टैलेंट हम लोग निकाल लेते हैं, टैलेंट हमारे पास आ जाता है लेकिन वो टैलेंट को उसके बाद यूटिलाइज कहाँ करना है ना उस टैलेंट जिसका टैलेंट है उसको पता है ना लोगों को पता कि उनको आगे कहाँ लेके जाए। सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि इन टूर्नामेंट्स में से जो भी विनर्स होंगे, जो अच्छे प्लेयर्स होंगे, जितने भी हमारे ऑल फेडरेशन है स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान की है, देर की का नाम ऑल ऑफ यू कि जी आप लोग क्या कर रहे हैं और इसको आप लोगों ने आगे कैसे लेके जाना है और किस तरीके से वो आप लोगों को पिक कर सकते हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू।
thank you for such a great, welcome. I am very much obliged and thank you so much. Thank you. May I request to our chief guest of the day, Mr. Oh, mashallah, mashallah. Ali bhai, mashallah. Come on, come on. Come on, come चलो Getting the grant of 72,000 from Higher Education Commission. These are moments in national event and represented by OGC. The next athlete in a 2-4-6 push. Our chief guest of the day, conduction of the team games among the youth. The athlete of Lahore College Women University are super excited to participate in forthcoming event. With the title of Team Games 2023. At least, are you excited? A wonderful initiative by Roger Pusian Sports. After the declaration of the King James 2023, the formal cake-cutting ceremony has been done. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am.